सुबह नदी में नहा लिया जाए तो दिन बन जाता है। और उससे भी अच्छा दिन तब बनता है जब बलू तुम्हारे दिन की शुरुआत जंगल लेसन से करता है। ओह, इसे बाद में नहीं कर सकते बलू। देखो बघीरा अब तक सोया है, तुम उसे क्यों नहीं उठाते हैं? बघीरा रात भर जगकर मेरे साथ ये इकट्ठा कर रहा था। आज का हमारा लेसन है मेडिसिनल प्लांट्स पर। ये बेरी देख रहे हो, इसमें विटामिन्स भरे हुए हैं, अच्छी खुराक है और बुखार के लिए एकदम परफेक्ट। खुराक है? फिर तो मुझे दे दो, मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है। ओगली, तुम इन लेसन्स को ठीक से नहीं सीखोगे तो हो सकता है। जल्दी उठो, उठो ना। क्या हुआ? कौन आया? कहाँ है? ये बताओ बालू कहाँ है? एक जरूरी काम है। मैं यहाँ हूँ डार्जी, क्या बात है बोलो। एक बहुत बड़ी बात हो गई है। क्या बात थी? मैं भूल गई। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊंगी कि पहाड़ी पर एक लंगूर पेट दर्द की वजह से बेहोश पड़ा है। पहाड़ी पर लंगूर पेट दर्द से बेहोश हो गया? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? वक्त बहुत कम है, तुम तो वहाँ से जल्दी उड़कर आ गई, पर मुझे वहाँ पहुँचने में बहुत वक्त लगेगा। क्या कहा? मैं कहाँ से उड़कर आई? मुझे पता था आज के दिन की शुरुआत तो पानी से ही हो। हम पर हमला मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हमें तो लगा झाड़ियों के पीछे मगरमच्छ है। मॉम, आप अपनी जान बचाइए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और जैसे ही तुम्हारा बुखार उतरेगा हम अपने झुंड में मिल जाएंगे। क्या बुखार? मेरे पास बुखार ठीक करने की खुराक है, मैं ला सकता हूँ, सच कह रहा हूँ। कैसे यकीन करूँ? इंसान और तेंदुए हमारे दुश्मनों में से हैं। फिक्र मत करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, वरना ये बुखार बच्चे की जान ले लेगा। वादा करता हूँ तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। हम अभी वापस आते हैं। भूल गया बघीरा, तुम बताओ ना कौन सी बेरी थी वो? जब बलू ने मुझे दिखाई थी अंधेरा था, मैं ठीक से देख नहीं पाया। काश बलू यहाँ होता तो बात बन जाती, पर वो तो अपने काम से चला गया। यहाँ कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? हेलो, कोई मेरी बात सुन रहा है? मोगली, बघीरा, कितने दिनों बाद मिल रहे हो। मोगली, तुम इसकी मदद चाहते हो? और कोई चारा नहीं है बघीरा, इसके बिना भैंस का बच्चा नहीं बच पाएगा। डाजी, तुम्हें ये तो याद है ना कि तुमने बलू को पहाड़ियों पर भेजा है? नहीं तो? देखो, हम चाहते हैं तुम वहाँ जाओ और बलू से मिलो। और बलू से पूछना कौन सी बेरी से बुखार का इलाज होता है, जल्दी जाओ। हाँ, क्यों नहीं, पर तुम ठीक तो हो? हाँ, पर तुम भूलोगी तो नहीं ना? तुमने मुझे भुलक कर समझा है क्या? कैसी बातें करते हो मोगली? ये पेड़ कितनी जल्दी बढ़ते हैं, आज सुबह ही तो यहाँ एक छोटा सा पौधा था। ओह, तो तुम सच में वापस आ गए और दवाइयाँ भी लाए हो? लाए तो है, पर पहले हमें कुछ चेक करना है। मम्मी, मुझे गर्मी और ठंडी दोनों लग रही है। ओह, घबराओ मत मेरे बच्चे, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, मम्मी है ना? ओह, पता नहीं ये डार्जी कब तक आएगी। अगर हमें जल्दी उस बेरी के बारे में पता नहीं चला तो ये बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा। डार्जी चली पहाड़ियों में, मोगली ने मुझे जरूरी काम दिया है, लेकिन मुझे करना क्या है? यम्मी। आज पटके नहीं चाने दूंगी, वैसे भी टाइम पास नहीं हो रहा था। शेरखान, नदी के पास भैंसे का एक बीमार बच्चा पड़ा है। क्या कहा, एक बच्चा, वो भी बीमार? अच्छी खबर दी। पर बुरी खबर, वो अकेला नहीं है। पर टबाकी के पास एक तरकीब है। मम्मी, मुंह सूख रहा है और नींद भी आ रही है। बस थोड़ी देर मेरे बच्चे, और थोड़ी देर।
पानी पी लो, तुम्हारे अंदर थोड़ी शक्ति आएगी। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी दोस्त नहीं पहुंच पाएगी। वो आ जाएगी, मुझे पता है, वो हमारा ही काम कर रही होगी। कहा था ना पकड़ लूंगी। चलो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। दासी, कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे क्या पता, शायद मोगली ने मुझे भेजा था, उससे कोई जरूरी काम था। क्या जरूरी काम? तो गीदड़, ये है तेरी तरकीब, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना। सब्र करो ना। ओ, देखो आ गई। तुम्हें अब छुप जाना चाहिए। डार्जी, ऊपर क्यों उड़ रही है, नीचे आ। ओ, जल्दी बोलो क्या काम है, मुझे देर हो रही है। चिल्ला मत वरना चबा जाऊंगा। नहीं, इसे रोने दो शेर खान, बस इसे मेरे पीछे लेकर आओ। उठो बेटा, आंखें खोलो मेरे बच्चे, उठो। जल्दी कुछ करना होगा, वक्त बहुत कम बचा है। डार्जी मुसीबत में है, चलो बघीरा पहले उसे बचाते हैं। मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ? मेरी तरकीब यही थी। नहीं, अपने बच्चे के साथ रहो, हम अभी आते हैं। तेरी तरकीब तो फिसड्डी निकली, अब मेरी वाली अपनाते हैं। ये तुम्हारे साथ किसने किया? शेर खान और तबाकी ने। और किधर का बच्चा कह रहा था इतनी तेज चिल्लाना कि मोगली तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाए। ओ, हमें चकमा दिया गया है। यहाँ क्यों आए हो? वो मैं यहाँ तुम्हारा बच्चा खाने आया हूँ। तो इस बार मुझे चबा के दिखा बूढ़े शेर खान। भला मैं तुझे क्यों खाऊं? मेरे पास तो इतनी बड़ी दावत पड़ी है। वैसे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बूढ़ा कहने की? बूढ़े के लिए एक नन्ही सी चिड़िया पकड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। ये है बेरी, जिनसे पुकार सही होता है वो है। उसे जाने दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा बछड़े, और मुझे तेवर दिखा रहा। पर मुझ में दम अभी भी है। मुझसे लड़ेगी? आज के बाद किसी माँ से पंगा मत लेना। बचाओ। बहुत खेल हो गया। दफा हो जाओ शेर खान, वरना पछताओगे। नाक तोड़ दूंगा तेरी। मुझसे डर गया? अब कभी वापस मत आना। पक्का बुखार की लाल वाली बेरीज है? अरे हाँ बाबा, तीन लाल वाली खा लो, बलू ने यही कहा था। एक, दो और तीन, ये लो खाओ। मम्मी, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अब हम अपने झुंड से मिल सकते हैं। तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्तों, और तुम्हारा भी नन्ही चिड़िया। डार्जी, मानना पड़ेगा तुम्हें रेड बेरीज आखिरकार याद रही। ये बताओ तुमने ये किया कैसे? अरे एक एक्सपर्ट की मदद से और क्या। मैंने डार्जी को ऐसे बीज खिलाए जिससे इसकी याददाश्त तेज हो गई। पहले तो इसे ये भी याद नहीं था कि तुमने इसे क्यों भेजा है। बलू, कैसे हो तुम? कहाँ थे इतने दिनों से? लगता है बीजों का असर कम हो रहा है। कौन सा बीज?